नमस्कार, मैं रितु आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य में अब चुनाव की संभावना नहीं है। शुक्रवार को चुनचुड़ा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हुगली सांगठनिक जिला की बैठक के लिए यहां आए शुभेंदु ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आ जाती और सभी लोगों को टीकाकरण नहीं हो जाता तब तक राज्य में अब चुनाव की कोई संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि लोकल ट्रेन नहीं चल रही है, जिसका मतलब है कि पश्चिम बंगाल में अभी भी कोविड 19 की दूसरी लहर मौजूद है। बंगाल चुनाव से पहले तृणमूल छोड़कर भाजपा में शामिल हुए शुभेंदु ने कहा कि राज्य सरकार का एक प्रकोष्ठ कोरोना की संख्या को कम करने के लिए काम कर रहा है। हमें लगता है कि पश्चिम बंगाल, आसाम और तमिलनाडु पर मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी नहीं बदली है, अब चुनाव के लिए इतनी जल्दी क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार कार्यकारी अध्यक्ष के पद को सोनिया गांधी छोड़ सकती है और उनकी जगह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ पार्टी नेता कमलनाथ को नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। आज ही कमलनाथ ने दिल्ली आकर सोनिया गांधी से उनके निवास पर मुलाकात की है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है और अब सूत्रों से पता चला है कि कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। सूत्रों को माने तो कमलनाथ कोषाध्यक्ष के पद के लिए ज्यादा उत्सुक नहीं है। वह पार्टी संगठन में बड़ी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपनी रजामंदी दे सकती है। कमलनाथ ने गुरुवार को सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात भी की। इस मुलाकात के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थी। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल अगस्त 2021 में पूरा हो रहा है। कमलनाथ को गांधी परिवार का करीबी समझा जाता है। पूर्व में कमलनाथ इंदिरा गांधी, संजय गांधी और राजीव गांधी के साथ काम कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी में कमलनाथ का कद काफी ऊपर है और यही वजह थी जब मध्य प्रदेश के लिए राहुल गांधी को कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुख्यमंत्री चुनना था तो उन्होंने कमलनाथ पर भरोसा जताया था। बता दें कि अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की थी। दोनों नेताओं की यह मुलाकात करीब आधा घंटा चली थी। दोनों नेताओं के बीच यह मुलाकात पवार के निवास पर हुई। उनकी यह मुलाकात ऐसे दिन हुई थी जब पवार ने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक को गिर कांग्रेस तीसरे मोर्चे की गठन के प्रयास के तौर पर भी देखा जा गया था। दोनों नेताओं की इस मुलाकात से नई अटकलों को हवा मिली थी। इससे पहले कांग्रेस ने बुधवार को सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के संसद रणनीति संबंधी समूह की बैठक में फैसला किया था कि वह संसद के मानसून सत्र में राफेल विमान सौदे की फ्रांस में हो रही जांच, कोरोना महामारी, टीकाकरण की धीमी गति, किसान आंदोलन और महामारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरेगी। सूत्र के मुताबिक कांग्रेस नेतृत्व की ओर से पार्टी की संसदीय टीम में किसी तरह के बदलाव का संकेत नहीं दिया गया। पिछले कुछ दिनों से ऐसी चर्चा है कि लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी का हटाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।